नमस्कार मित्रों, तो स्वागत है बैंक मित्र एग्जाम के पेपरों में पूछे जाने वाले प्रश्नों का 26वां भाग। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं, तो इसमें के सारे प्रश्नों को देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए। पहला प्रश्न, डैश विरोधी जोखिमों के साथ दो निवेश करके समग्र जोखिम को कम करने की रणनीति है जोखिम उठाना। अगला प्रश्न, वाणिज्यिक पत्र जारी किया जा सकता है कम से कम 5 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ सभी कॉरपोरेट्स द्वारा। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड को डैश कहा जाता है, कोषागार बंध पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, वह अधिकतम अवधि क्या है जिसके लिए एक वाणिज्यिक पत्र जारी किया जा सकता है, 1 साल। अगला प्रश्न, समय पर ऋणों के पुनर्भुगतान का परिणाम है ऊपर के सभी यानी कि अच्छे साख, चिंता की बात नहीं है और आसानी से ऋण की उपलब्धता। अगला प्रश्न, हमारे बीच के अधिकांश लोग डैश हैं, क्या है जोखिम के खिलाफ हैं, ठीक है, कोई भी जोखिम लेना पसंद नहीं करता, ठीक है, तो जोखिम के खिलाफ हैं। हाँ, वो पता लगेगा अगर कोई खतरों का खिलाड़ी हो तो। तो इसमें का जोखिम के खिलाफ ही रहेगा क्योंकि कोई भी जल्दी आदमी जोखिम लेना नहीं चाहता है। अगला प्रश्न, बैंकों के व्यायाम का पहला राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जून 1969 में, ठीक है। अगला प्रश्न, सत्य गलत वाला है, आरटीजीएस सिस्टम, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम उच्च मूल्य के लेन देन के लिए उपयोग किया गया जाता है जिसके लिए तत्काल समाशोधन की आवश्यकता होती है, सत्य। अगला प्रश्न, मार्केटिंग भाषा में यूएसपी का क्या अर्थ है, मार्केटिंग भाषा में यूएसपी का अर्थ है अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव यानी कि यूनिक सेल प्रपोजल। अगला प्रश्न, इंपीरियल बैंकों को समामेलित किया गया और उन्हें बदल दिया गया किसमें, भारतीय स्टेट बैंक में। मैं आप लोगों को जानकारी लिए बता दूं कि भारतीय स्टेट का बहुत पहले नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था जो बाद में बदल के भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। भारत सरकार के बैंकर के रूप में कौन कार्य करेगा, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, सत्य गलत वाला प्रश्न है, समय साझा करने वाले छात्र अपने कार्यक्रम को संसाधित करने के लिए कंप्यूटर पर काम करते हैं, सत्य। अगला प्रश्न, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए ग्राहक आईडी और अन्य पासवर्ड उपयोग करके इंटरनेट बैंकिंग सुविधा में प्रवेश करें, सत्य। अगला प्रश्न, जब आप किसी ग्राहक को बढ़ावा देने की इच्छा रखते हैं तो बैंक द्वारा परिभाषित निम्नलिखित में से कौन एक ग्राहक है, एक व्यक्ति नियमित रूप से बैंक का दौरा करता है। अगला प्रश्न, सत्य गलत, इरिडा पोर्ट्स वायरलेस डिवाइस है जो आपके टीवी पर रिमोट कंट्रोल की तरह ही अनिवार्य रूप से काम करता है, सत्य। अगला प्रश्न, भारतीय बैंकिंग अधिनियम कब लागू हुआ, 1949 में। अगला प्रश्न, 1955 में कौन सा बैंक भारतीय स्टेट बैंक बना था, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भारतीय स्टेट बैंक 1955 में, जिसका भारतीय पहले इसका नाम जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, तो भारतीय स्टेट बैंक ही 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था वो कन्वर्ट होकर भारतीय स्टेट बैंक बन गया। अगला प्रश्न, पीएमएमवाई ऋण का लाभ कौन उठा सकता है, कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी फर्म, बॉडी, कॉरपोरेट कंपनी या भारत में शामिल कोई अन्य संस्था, तो ए और बी दोनों सही है, तो ए और बी, ठीक है। अगला प्रश्न, डैश से संबंधित किसी भी गतिविधि पर ले जाने के लिए मुद्रा ऋण का लाभ उठाया जा सकता है, विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार और सेवाएं, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, बैंक मार्केटिंग इस प्रकार है, बी सेवा विपणन। अगला प्रश्न, बैंक बीएफबीसी मॉडल के तहत मध्यस्थों में किसी एक की सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते, वह है कौन है, ग्राम सरपंच मध्यस्थों की तरह काम नहीं कर सकते हैं बैंक की तरफ से। अगला प्रश्न, पीएमजेडीवाई के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, राज्य स्तर पर मिशन निदेशक वित्तीय समावेशन अभियान की निगरानी की जिम्मेदारी लेंगे, मिशन निदेशक एसएलबीसी और सभी हितधारकों के साथ समन्वय
में कार्य करेगा। एसएलबीसी संयोजक राज्य कार्यान्वयन समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा और वित्तीय समावेशन गतिविधि के लिए सभी बैंकों के साथ समन्वय बनाए रखेगा। उन्हें वित्तीय समावेशन की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी और पालन करना होगा। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो चौथा लगाएंगे उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, डिजिटल बैंकिंग के अंतर्गत बैंकिंग के निम्न में से कौन से रूप आते हैं? दोनों, बी और सी दोनों, यानी कि दोनों का मतलब तीनों नहीं, सारे नहीं, दोनों का मतलब बी और सी, मोबाइल बैंकिंग और एसएमएस बैंकिंग। अगला प्रश्न, ई कॉमर्स के वर्गीकरण में सबसे बड़ा समुदाय निम्नलिखित में से कौन सा है? व्यवसाय से व्यवसाय, यानी बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। अगला प्रश्न, सत्य गलत, कंप्यूटर की दक्षता एक व्यवसाय पर सख्त नियंत्रण के साथ प्रबंधन प्रदान करती है, सत्य। अगला प्रश्न, स्वावलंबन योजना के तहत एक ग्राहक को डैश की उम्र में बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी, 50 साल की उम्र में, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पीएमजेडीवाई योजना के लिए एमआईएस और डेटा उत्पादन में शामिल नहीं है? वो है लोक अदालत, आईबीए शामिल रहती है, राज्य स्तरीय बैंक समिति शामिल रहती है, लीड जिला प्रबंधक भी शामिल रहते हैं, लेकिन लोक अदालत इसमें शामिल नहीं रहती है। अगला प्रश्न, इंटरनेट बैंकिंग गतिविधियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने में मदद करता है, जैसे कि खाता बनाए रखना, खाता हस्तांतरित करना, बिलों का भुगतान करना, सत्य। अच्छा, झूठा, वित्तीय परामर्श में दी जाने वाली सभी सलाह स्थायी होनी चाहिए जिसमें ग्राहक अंतिम निर्णय लेगा, सत्य। अगला प्रश्न, एटीएम कार्ड से कौन सा लेन देन नहीं किया जा सकता? इन चारों ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में 350 की नकद निकासी नहीं की जा सकती, ठीक है। अगला प्रश्न, तो सत्य गलत, डेटा प्रविष्ट क्लर्क और डेटा क्लर्क के शीर्षक विनिमय है और ऑपरेशन के भीतर सामान्य स्थिति का वर्णन करते हैं, असत्य। अगला प्रश्न, माइक्रो एटीएम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह डिवाइस मोबाइल फोन कनेक्शन पर आधारित नहीं है, यह वाक्य सही नहीं है। तो यूसीपीडीसी का वर्तमान संशोधन और वर्ष कौन सा है? यूसीपीडीसी 500,1993 का वर्तमान संशोधन है। तो यहाँ से धन्यवाद दोस्तों आप लोगों को, और पेपर आने वाला है, पेपर में आप अच्छे से करके आइएगा, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और सभी बैंक मित्रों को शेयर भी कर दें, फैला दें। धन्यवाद।